त्योहार के दिन आदमी एंजॉय करता है। पापा घर में पूजा नहीं करेंगे आज के शुभ दिन में? घर में पूजा के बजाय झगड़े हो रहे। एक बैग मेरे लिए। मैं कोई बार में शराब पिलाने वाली लड़की नहीं हूँ अश्विन। There's an emergency. Go बेटा, go, you go. मैया जय लक्ष्मी माता। कमाल के लोग हैं। दो दिन पहले दिवाली खत्म हुई लेकिन पटाखों का शोर अब तक है। अरे साल में एक ही बार तो आती है दिवाली, तो पूरी साल की कसर निकालेंगे। चार पांच दिन तो होते हैं बच्चों के पास आयश करने के लिए यार, हम तो होती है। Ridiculous. वैसे टाइम क्या है? ओ बस व्हाट, उठो अभी, 4 बजे मीटिंग है। अभी अनिल शौरी की मीटिंग से पहले बहुत काम है। अरे अनिल शौरी के साथ मीटिंग है? कोई इंडिया का प्रेसिडेंट है क्या वो? अभी चलो चलो, अनिल शौरी के साथ मीटिंग है ना। अनिल शौरी भगवान है वो, टक्सीडो पहन लूं मैं। अरे वो अनिल शौरी। तुझे और भाभी को फिर से एक साथ देखने की उम्मीद पूरी हो जाएगी, सूद समेत वसूल कर लूंगी। तरीका है ये जताने का कि वो खुद तो एक जिम्मेदार बहन है, लेकिन तुम एक ऐसे भाई हो जिसे बार बार रिश्तों की अहमियत समझानी पड़ती है। अभी तुमने अपनी बहन से पूछा कि उन्हें दिवाली पर अपने भाई की याद कैसे नहीं आई? ठीक है मेरे घर नहीं आना था ना आती, लेकिन अपने भाई के स्टूडियो आकर तो उससे मिल सकती थी ना। लेकिन तुमने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं होगा। क्यों कहोगे तुम? ना कभी कुछ कहोगे ना कभी कुछ करोगे। किरण प्लीज, क्या जरूरी है कि हम लोग इस टॉपिक पे बात करें? ऑफ कोर्स नॉट, अभी कोई जरूरी नहीं है। आई विल बी मोर देन हैप्पी। और वैसे भी इस तरह की बेवजह इमोशनल बातों के अलावा और बहुत सारे काम है करने को। इस तरह की बातें सिमरन को ही मुबारक। एक पैसा
मैडम को बोलना दिवाली का बोनस। ये शगुन और मेरी बीच की बात है, तुम कौन होते हो बोनस मांगने वाले? अरे मैं होता कौन? इसका मर्द हो गए, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। शगुना दरवाजा बंद करो। मुझे तुम्हारे पति का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया? क्या कहा उसने? क्या कहेगा बेचारा? वो दूसरी वाली छोड़ के गई ना उसको, अब वो गरीब के पास पैसा पड़ नहीं आनी, कोई मदद करने वाला पड़ नहीं। So what? He deserved it. भाई, कुछ नौकरी वोकरी का हो सकता है क्या? सॉरी मैं कुछ नहीं करूंगी। ऐसे आदमी को नौकरी दिलवाने की उम्मीद मुझसे मत रखना, उसका क्या भरोसा है? बराबर बोलती हो तुम भाई, वैसे तुमको बोलती भाई वो निर्मर देना ऐसे दिल का बुरा नहीं है, अच्छा आदमी था वो। ये तो वो दूसरी औरत आ गई ना, उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। ये तो मेरी मर्द की किस्मत ही खराब, उसको बिगाड़ने वाली औरत मिल गई। हेलो। हाय अमीषा, किरण हियर। ओह हाय किरण, हाउ आर यू? देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। रियली? यू नो ना मिराकल टेक्सटाइल्स का कैलेंडर, इस साल मैं और अभी काम कर रहे हैं उस पर, और हम चाह रहे थे कि एक पिक्चर के लिए पॉज तुम करो। व्हाट? वाओ, आई डोंट बिलीव दिस, सच किरण? ऑफ कोर्स, इसलिए तो कहा कि गुड न्यूज है। या बट आई नो अबाउट द कैलेंडर, इट्स रियली नाइस, वेरी एक्साइटिंग, बट किरण जिस तरह की फोटोग्राफ्स होती है उस कैलेंडर में, यू नो वेरी रिवीलिंग, मुझे नहीं लगता मम्मी मुझे परमिशन देगी। अमीषा तुम मेन मॉडल नहीं रहोगी, बस बैकग्राउंड में नजर आओगी कहीं, मे बी अ बैक ऑफ प्रोफाइल, बट आई मस्ट से कि अपने करियर की शुरुआत में ही मिराकल टेक्सटाइल्स के कैलेंडर पर आना बहुत बड़ी बात है। किरण मैं मम्मा से पूछकर बताती हूँ, एक मिनट। ओके मम्मा। किरण I'm going to do it. मम्मा ने हाँ कर दी? Yeah. Thank you. Bye. अभी मुझे नहीं पता था कि मिरेकल टेक्सटाइल्स का नाम ही इतना बड़ा मिरेकल कर सकता है। तुमने कहा था ना कि डॉक्टर दलाल अमीषा को इस कैलेंडर की शूट के लिए कभी परमिशन नहीं देगी? You were wrong. उन्होंने परमिशन दे दी है। अमीषा is so happy. अमीषा? किस बारे में? अमीषा की खुशी या डॉक्टर दलाल की परमिशन? ऑब्वियसली डॉक्टर दलाल की परमिशन के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी लगने न लगने से कुछ नहीं होता, उन्होंने परमिशन दे दी है। स्ट्रेंज। यस नाउ कम ऑन, वरना हम अनिल शौरी की मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। चले तुम रुको, मैं डिजाइन लेकर आती हूँ। हाय, मुझे लगा तुम हॉस्पिटल में नहीं हो। उर्मिला नाराज हो? डार्लिंग, डार्लिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो अचानक दिवाली पर कुछ दोस्त आ गए थे, अब उन्हें जाने के लिए कहता तो उन्हें बुरा लगता। इनफैक्ट आई वॉज वेटिंग फॉर देम टू लीव, लेकिन उनसे पहले तुम चली गई। मैं चली गई क्योंकि वहां बैठना मुश्किल था अश्विन, और क्या बना दिया था तुमने मुझे? हाँ उर्मिला प्लीज मेरे लिए एक ड्रिंक बना लाओगी? और तुम्हारी देखा देखी तुम्हारे दोस्त भी डिस्गस्टिंग इट वाज। मानस ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वो जो भी है जैसे भी है उनके सामने कभी किसी बाहर वाला ने मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं किया। तो अब तुम मुझे मानस के साथ कंपेयर कर रही हो?
उस इंसान के साथ जो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सका, जिसका घर छोड़कर तुम मेरे पास आ गई थी। जो सच है वो सच है। मानस अपनी बीवी की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना अच्छी तरह जानते हैं। I have failed, Mila. I have failed. I'm really sorry. देखो उर्मिला, तुम्हारी इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बिलीव मी, उस रात मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। मैं कितना चीप हो गया हूं, कितना सेल्फिश हो गया हूं मैं। प्लीज भाई, और मी डार्लिंग, प्लीज इस तरह चुप रहकर तो मुझे अपने और छोटे होने का एहसास दिला दिया। अच्छा आगे से ऐसा नहीं, प्लीज। ओके, ब्राइट आइडिया। हम शाम को ड्राइव पर जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव, उसके बाद फिर डिनर और उसके बाद स्ट्रेट तुम्हारे घर पे। और मैं आज तुम्हारे साथ बहुत वक्त बिताने वाला हूं। एंड आई प्रॉमिस यू बेबी, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। थैंक यू मिस्टर शॉ, आखिर हमारी मेहनत रंग ले ही आई। थैंक्स किस लिए किरण, ये तो हो रहा ही था। मैंने तो तुम्हें कब से ऑफर दिया था अपने कैलेंडर का, बस तुम ही राजी नहीं थी। वो कमॉन मिस्टर शॉ, इट्स अ ग्रेट ऑनर मेरे लिए भी। तुम्हारे जैसी खूबसूरत मॉडल हमारे कैलेंडर पर आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। I promise Mr. Shori, अभी इस असाइनमेंट पर जितनी मेहनत कर रहे हैं। किरण, किरण, एक एक पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले की नजर हट ना सके, और ये सब तुम्हारे हाथों में है किरण। And I know you can do wonders. Can we leave? Yes, sure. But Mr. Saxena, like I said earlier, ऐसा शूट कीजिएगा कि अब तक किरण के साथ काम करने वाले भी हैरान रह जाएं कि इज दिस द सेम गर्ल। आई ट्राई माई बेस्ट। डोंट ट्राई योर बेस्ट मिस्टर सक्सेना, यू हैव टू डू योर बेस्ट, एंड आई थिंक किरण विल अग्री ऑन दैट। या एक और चीज किरण, मैं शूटिंग पर आना चाहूंगा, तुम्हारी शूटिंग पर। आई वांट बी अराउंड टू गिव यू सम टिप्स। Listen, Mr. Shori, I really don't... We don't mind, Mr. Shori. आप बिल्कुल आ सकते हैं। I'll inform you. Thanks, Kiran. And all the best. ये क्या हो रहा है? मामा, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। पूछो क्यों? खुश हो तो जरूर अच्छी बात होगी। अच्छी बात नहीं है मामा, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है मिरेकल टेक्सटाइल्स के एनुअल कैलेंडर, किरण ने मुझे उसके लिए सिलेक्ट कर लिया। मामा, मिरेकल टेक्सटाइल? यस मामा। तुमने हाँ कह दिया। मामा, ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। इट्स सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। बिना किसी से पूछे सोचे बगैर। मामा, मुझे लगा था कि आप माइंड नहीं करेंगी। यू सो मॉडर्न एंड ब्रॉड माइंडेड। मामा, अगर आप नहीं चाहती तो मैं मना कर दूं। ना बोल के तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती मैं। और वैसे भी मना करने वाली मैं कौन होती हूँ? माँ होती तो हक से बात कर सकती थी। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह बिहेव करने की?
God damn it, we are professionals, we are not amateurs. Struggler नहीं हम लोग, काम मांगने के लिए नहीं गए थे उसके पास। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई एहसान कर रहा हमारे ऊपर। He is a big guy अभी, और उस प्रोजेक्ट को हासिल करना तुम्हारा सपना था। हाँ था, था लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कॉस्ट पे बिल्कुल भी नहीं था। ओह, सेल्फ रिस्पेक्ट? ऐसा क्या कह दिया अनिल शौरी ने जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची? बताओ। Excuse me, अब मुझे बताना पड़ेगा ये? तुम तो वहां पे थी नहीं, तुमने कुछ सुना नहीं, तुमने कुछ देखा नहीं। You know something? इस समय उस कैलेंडर पे आना तुम्हारा सबसे बड़ा एम है और इसी बात का फायदा उठा रहा है वो इंसान। वो होता कौन है तुम्हें बताने वाला कि तुम्हें कैसे पोज करना चाहिए, तुम कैसे सेक्सी दिखोगी? God damn it, that's my job. तो जलन हो रही है तुम्हें? Excuse me? मुझे जलन हो रही है? नहीं, इसको जलना नहीं कहते, मुझे गुस्सा आ रहा है एक्चुअली। अभी जितनी बेवकूफ तुम मुझे समझते हो ना, उतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। इस प्रोजेक्ट के लिए तुम जितने बेचैन थे ना पहले, अब अनिल शौरी से मिलने के बाद उतना ही इनसिक्योर फील कर रहे हो। अनिल शौरी से मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं क्यों? कोई दूसरा आदमी मेरी तारीफ करे ये बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो अभी, इस तरह एरोगेंट होकर अगर दूसरों के लिए अपनी जजमेंट पास करते रहना तुम, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे तुम। नहीं चाहिए मुझे कुछ जिंदगी में, और कम से कम ऐसे बेहुदा लोगों की उंगली पकड़ के तो कभी कुछ नहीं चाहिए। और तुम मेरी एक बात याद रख लो, कल तक मेरे टैलेंट की तारीफ करने वाली तुम आज जिस तरीके से अनिल शौरी जैसे की तरफदारी कर रही हो ना, उससे तुम्हारी इनसिक्योरिटी का पता चलता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। बहुत पढ़ाई हो रही है? क्या बात है, खाना क्यों नहीं खाया? बस भूख नहीं थी। कॉलेज में कुछ खाया था? हाँ, सैंडविच खा लिया था। अच्छा बता, बात क्या है? कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे इतना चुप कभी नहीं देखा। बता ना क्या बात है। सच दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी क्या बात हो सकती है? हाँ, कोई बात हो भी सकती है, कोई बात नहीं भी हो सकती। खाना तो खा ले। दीदी मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं कर रहा खाना खाने का। नहीं कर रहा? ठीक है, गुड नाइट। दीदी आपने खाना खाया? नहीं। क्यों? तू खाना नहीं खा रही इसलिए मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। आज भूखे रहकर देख लेते हैं। दीदी ये कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई ना, तो खाना खा ले प्लीज। ओके, एज यू से। थैंक यू मैम। चलिए ऐसी सारी बातें सुनता हूं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। I'm sorry. किरण मैं क्या करूं? कोई तुम्हारे साथ इस तरह से बात करता है तो मैं इस तरह से देखता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे ही मुझे उस आदमी की नीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती। बोला ना सॉरी, गुस्सा हो तो मनाने का मौका दे दो कम से कम। अभी अगर हस्बैंड की तरह बिहेव करना चाहते हो तो पहले हस्बैंड बनो। जब तक मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन जाती, मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं। कम ऑन नाउ किरण, ये क्या बचपन आए? हाँ, अब तक जो करते आई वो बचपना था।
What do you mean? अभी जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब यू कांट टच मी। जब तक मुझे अपनी बीवी बनाने के लिए तुम पहला जरूरी कदम नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी। एंड आई एम श्योर पहले कदम का मतलब तुम समझते हो।